करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 2x²-3x-9r। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका जो फैक्टर है वो पता करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और सॉल्यूशन अगर समझ में आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं 2x²-3x और -9। तो यहाँ पे जैसे कि आगे ये 2 है और लास्ट में यहाँ पर 9 है, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर हमें फर्स्ट और लास्ट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 9 2 18, अब हमें 18 लाना है और यहाँ पर है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 और 3। तो इसीलिए 2x² ये सेम हो जाएगा, और -6x और +3x, क्योंकि -6 और +3 यहाँ पे -3 होता है, और 6 3 18 भी हो रहा है जो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो यहाँ पे 9 जो सबसे लास्ट वाला नंबर है, अब इसमें से आगे जो दो लिखे हुए हैं जो टर्म्स हैं इसमें से हम कॉमन ले लेंगे और लास्ट के दो टर्म में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और x-3 और फिर +3x-3। तो इस तरीके से x-3 x-3, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। अब इसके बाहर है 2x और इसके बाहर है +3, तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। अब इसको हम बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे, तो ये x-3 0 के बराबर हो गया, और 2x+3 ये भी 0 के बराबर हो गया। तो ये जो -3 है, अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो जो x की वैल्यू है ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 2x+3, अगर इस 3 को अगर हम राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 2x = -3, और अगर इस x को यहीं पे रहने देंगे तो जो 2 है ये आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो जो हमारा आंसर है ये आ जाएगा 3 और -3/2, क्योंकि इसी x को हम 0 बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 और -3/2 ऐसा जो ऑप्शन है ये सबसे पहले वाले ऑप्शन ए के अंदर ही है, तो इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर आप दूसरा मेथड अगर करना चाहते हो, तो जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखा है, तो सबसे पहले आप इक्वेशन को लिख लो 2x²-3x-9, और आप चाहते हो कि ये जो फैक्टर है आप ये ना करो, तो सीधे सीधे आप जो वैल्यू है ये पुट कर सकते हो, क्योंकि जो जीरो होता है वो x की वैल्यू, वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दे। तो यहाँ पे जैसे कि अगर 3 है, अगर हम इसको पुट करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और इस 3 की x की जगह पे यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर -3, फिर से इस x की जगह पे 3 पुट करेंगे -9, तो ये आ जाएगा 2 9 -9 और -9। तो यहाँ पे -9 और -9, -18 और 2 9 18, तो ये तीनों कट जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 0। तो एक नंबर तो आप ये चेक कर सकते हो कि ये जो 3 है वो वाला हमारा आंसर हो सकता है। तो इसमें से जैसे ये -3 और ये -3 है, तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब उसके बाद ए और डी बच गया, जिसके अंदर 3 और 3 आ रहा है। अब इसमें से हमें एक नंबर चेक करना है, या तो 3/2 या -3/2। तो अगर आप 3/2 अगर इसी के अंदर अगर आप चेक कर लो, जैसे 2, और अब इस x की जगह पे 3/2 हम पुट करते हैं, तो 3/2 और इसका स्क्वायर -3 और फिर 3/2 और लास्ट में है -9। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और फिर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 -3 3 9/2 और -9। तो यहाँ पे अगर हम कट करें तो ये आ जाएगा 2 2 4, तो ये आ गया 9/2 और इधर 9/2, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा, लेकिन इस पर जो -9 है ये बच गया। तो इसका मतलब जो -9 आ रहा है ये 0 नहीं हुआ, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, मतलब जो हमने चेक किया है 3/2 ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए जो डी है ये भी कट गया, तो जो लास्ट बचेगा ये बचेगा ए। तो इसीलिए 3 और -3/2 ये हमारा ऑप्शन होगा, इस पर हम टिक कर देंगे। तो ये हमारा एक दूसरा मेथड हो गया जिससे आप कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा कम लिखना पड़ा है, जैसे हमने इसमें पहले फैक्टर किया है और फिर बाद में एक्स की वैल्यू हमने निकाला है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किसी भी दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड से आप कर सकते हो।